से। जिंग बी ग्रेड एक प्रयास है बॉलीवुड के स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज को असेस करने का। किसी भी स्टूडेंट के दिल के दुखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बी ग्रेड नहीं लेता है। इस रिपोर्ट के सारे ग्रेड्स की जिम्मेदारी केवल और केवल स्टूडेंट्स की है। इस रिपोर्ट में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। केवल ईमानदारी से हर सब्जेक्ट पर स्टूडेंट के परफॉर्मेंस का विश्लेषण किया जाएगा। एनी रिजेम्बलेंस टू पीपल एंड पर्सन इन द रिपोर्ट इज प्योरली इंटेंशनल। बॉलीवुड की पाठशाला, रंग बिरंगे छात्र और छात्राएं, एक से बढ़कर एक आइटम लोग, एब्सोल्युटली हर साल न जाने कितने माइंड ब्लोइंग कलाकार इस पाठशाला में एडमिशन लेते हैं। कुछ हमारे और आपके माइंड को ब्लो कर जाते हैं और कुछ बेचारे और बेचारियां अपने आप ही ब्लो आउट हो जाते हैं। इन शॉर्ट स्टोरी कुछ इस तरह है। ये जो स्टूडेंट्स हैं, इनमें से कुछ तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी तक कर जाते हैं और कुछ ऐसे जो केजी नर्सरी में ही अंगूठा मुंह में लिए दूसरों को पास होते देखते रह जाते हैं। तो दोस्तों और फ्रेंड नियो, स्वागत है आपका जिंग बी ग्रेड में, जिसमें हम आपको हर शो में बॉलीवुड के एक स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड खोल खाल के दिखाएंगे। रिपोर्ट कार्ड कुछ इस तरह से होगी और फिर उसके बाद हमारी विशेष टिप्पणी कि भैया या तो इस पाठशाला से निकल लो या फिर लगे रहो। हर हफ्ते एक स्टूडेंट या स्टूडेंटनी और उनके ग्रेड्स। आज की हमारी स्टूडेंट बड़ी ही पॉपुलर रही है बॉलीवुड के स्कूल में। इनके नाम के साथ ब्रैकेट में बहुत सारे निकनेम्स हैं, सेक्सी, सल्ट्री, हॉट, सेंसुअस, गॉर्जियस और टैलेंटेड भी लिखा है आखिर में। ये हैं बिपाशा बासु, जिनका नाम बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस की लिस्ट में डिस्टिंक्शन होल्डर्स के ब्रैकेट में आता है। अब इतने सारे तो क्रेडेंशियल्स हैं इनके टू हैव गुड ग्रेड्स इन द रिपोर्ट कार्ड, पर रियल पिक्चर तो हर सब्जेक्ट का ध्यान से एनालिसिस करने के बाद ही सामने आएगी और ये होता है सिर्फ बी ग्रेड पर। तो चलिए पहले सब्जेक्ट में इनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं। रिपोर्ट कार्ड है बिपाशा ऑन बी ग्रेड। बिपाशा बासु के हिस्ट्री के पेपर में फिल्मी क्रेडेंशियल्स थोड़े कमजोर से हैं। एज इन ना किसी फिल्मी परिवार से कोई सरोकार, ना कोई और महान फिल्मी हस्ती इनके सर पर अपने सपोर्ट का छाता लेकर खड़ी थी। वैसे पहले इनका इरादा बॉलीवुड के स्कूल की जगह मेडिकल स्कूल में जाने का था। बचपन से डॉक्टर डॉक्टर खेलना चाहती थी, पर फिर वहां से मन उठ गया। चलते चलते रास्ते में एक सुपर मॉडल मिली, मेहर जैसिया, जिनके प्रवचन के बाद बिप्स ने एक मॉडल हंट में पार्ट लिया, जीत भी गई और इन्होंने सोचा कि बस जो मजा शोबिज में है वो कहीं और नहीं, बस एंट्री की मॉडलिंग की नर्सरी में, और बहुत जल्दी नर्सरी की मेरिट लिस्ट में अपना नाम कर लिया। इनफैक्ट उस समय मॉडलिंग के प्ले स्कूल में बिप्स जी मेरिट लिस्ट में गिनी जाती थी, वेरी पॉपुलर एंड इन डिमांड रैंप मॉडल। और फिर इन्होंने एडमिशन फॉर्म भरा बॉलीवुड के स्कूल का और अपना एंट्री टेस्ट दिया अजनबी नाम का। बस जी फ्लाइंग कलर से पास हो गई और इनका नाम बॉलीवुड के रजिस्टर में रजिस्टर हो गया। तो ऑल इन ऑल हिस्ट्री में बिपाशा का ग्रेड कुछ इंप्रेसिव नहीं, इसीलिए एक भी प्राप्त होता है इनको। लुक्सोलॉजी के सब्जेक्ट में बिपाशा ने सारे एग्जामिनर्स को फ्लैट कर दिया है और हो भी क्यों ना, वाह क्या सेक्स अपील, वाह क्या फिगर, वाह क्या अदा। फिटनेस और फिगर के डिपार्टमेंट में बिपाशा एक एग्जाम्पल बनती हैं सबके लिए। स्टाइल, एटीट्यूड, द वे शी कैरीज हरसेल्फ, हर जगह अपनी छाप, अपना असर छोड़ जाती हैं। और जो सेंसुअसनेस उनके स्क्रीन अपीयरेंस में उभर कर आता है, उस कला में तो बिपाशा अब एक्सपर्ट हो चुकी हैं। इसलिए इंटरनेशनल मैगजीन्स ने इन्हें सेक्सीएस्ट वुमन इन एशिया का टाइटल दिया और खुद बिप्स ने भी अपना एक वीडियो बनाया, मिशन सिर्फ एक,
फिट एंड फैबुलस यू। तो उनसे प्रेरित होकर लाखों सुंदरियां बिपाशा जैसी फिट और सेक्सी हो सकती हैं। सो जब बिपाशा की जियोग्राफी की आंसर शीट को हमारे एग्जामिनर्स ने एग्जामिन किया तो पता चला दोज वॉशबोर्ड एब्स, दोज सेक्सी कर्व्स, दोज लवली आईज, साथ में एक हस्की सी वॉइस और डस्की सा कम्प्लेक्शन। तो एग्जामिनर्स यूनैनिमसली इसी नतीजे पे पहुंचे कि मिस बिप्स को इस सब्जेक्ट में A+ दिया जाए। Sing, 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 go sing.